Assalamualaikum guys, question है, find out करना है, derivative means dy by dx find out करना है, और equation आपके सामने है, तो उसके लिए हम differentiate कर देंगे, with respect to x both sides, so यह आएगा हमारे पास dy by dx is equals to d by dx x square dot natural log 1 by x, so यहाँ पे हमारे पास दो function बन जाएंगे, x square को कह देंगे पहला function और natural log 1 by x को कह देंगे दूसरा function. So, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव आ जाएगा पहले फंक्शन का. सो एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव लेंगे. नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव का क्या रूल होता है, जो भी नेचुरल लॉग के सामने है उसको वन बाय करके आपने लिख देना है और उसी का डेरिवेटिव भी ले लेना है प्लस नेचुरल लॉग 1 by x. अब डेरिवेटिव लेंगे मीन इसका पावर लग जाएगा इस पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या कि इसकी पावर क्या है 2. तो पावर पहले पावर में से एक कम करोगे क्या आ जाएगा 1. तो 1 यहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. यहां पे न्यूमिरेटर में 1 पड़ा हुआ है और डिनोमिनेटर में आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई है तो उसको अरेंज करके लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर. यहां पे आ जाएगा एक्स, एक्स डिवाइड बाय 1 करेंगे लेकिन नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है जस्ट. अब ये जो न्यूमिरेटर डिवाइड बाय फ्रैक्शन या डिनोमिनेटर में कुछ भी पड़ा हो न्यूमिरेटर में फ्रैक्शन आ जाए या ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो मींस न्यूमिरेटर में फ्रैक्शन आ जाए और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाए तो उसको सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में जब हम करके लिखते हैं तो वो अगर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर क्लियर नहीं है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में नीचे कॉमेंट कर देना. तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स हैं तो ये मैं आपके क्लियर आउट कर दूंगा बिकॉज ये अगर क्लियर नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम आती रहेंगी. ठीक है, सो विदाउट एनी हेजिटेशन कोई भी प्रॉब्लम बेसिक से बेसिक लेवल का तो आप पूछ सकते हो. सो न्यूमिरेटर में कुछ भी हो डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन आ जाए तो डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसको इन्वर्ट करके लिखोगे तो हमारे पास x चला जाएगा ऊपर नीचे 1 आना था 1 लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो इनटू डेरिवेटिव लेंगे इसका लेकिन अभी डेरिवेटिव नहीं लेना बिकॉज यहाँ पे पावर लगना है तो पहले इसको ऊपर लेके जाना होगा. अगर यहाँ पे x की पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ मीन्स पावर क्या होगी इसकी 1 तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव तो यह रहेगा -1. So, 2x है इसको जस्ट अरेंज करके लिखना है. 2x को स्टार्ट में ले आओ नेचुरल लॉग 1 बाय x आ जाएगा. हमेशा याद रखो कि नेचुरल लॉग के सामने जो भी चीज है उससे आगे फर्दर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पड़ी हुई है कुछ भी है तो उसको आपने लेके आना है स्टार्ट में. ये जस्ट इसलिए कि नेचुरल लॉग के सामने जो भी चीज होती है अगर इसके सामने फर्दर कोई चीज आ रही होगी तो वह ऐसे ही होगा कि जैसे नेचुरल लॉग का वो पार्ट है तो हालांकि वो पार्ट नहीं होता तो उसको आपने क्या करना है उसको स्टार्ट में ले आना है. सो नेक्स्ट आगे चलते हैं. सो फाइनल हम कर रहे हैं dy by dx इज इक्वल्स टू यहां पे ब्रैकेट्स को ओपन कर दो तो ये x square है यहां पे x है तो ये रहेगा x का क्यूब. नेक्स्ट इस पे पावर लग जाएगा पावर क्या है -1 तो पावर पहले पावर में से एक कम डेरिवेटिव इसकी बेस का 1 आना है वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है प्लस 2x नेचुरल लॉग 1 बाय x जस्ट इसको ये नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर x क्यूब. पावर को सिंप्लीफाई करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा -2 प्लस 2x नेचुरल लॉग 1 बाय x मल्टीप्लाई हो रही है बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी जस्ट बिकॉज यहां पे माइनस साइन है इसीलिए ये सबट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये आ जाएगा -x 3 -2 प्लस 2x नेचुरल लॉग 1 बाय x सो यहां पे आ जाएगा -x की पावर 1 तो 1 यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है 2x natural log 1 by x. So ये आ गया finalized result. अगर आप यहाँ पे common लेके लिखना चाहती हो तो common ले लेते हैं x common ले लेते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा -1 plus 2 natural log 1 by x. तो ये आ गया हमारा finalized result. जो कि मैं find out करना था dy by dx. सो आई होप क्लियर होगा. स्टिल अगर कहीं भी कंफ्यूजन है किसी भी तरह की जस्ट लाइक फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन वाली मैंने बात की थी न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन या फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो कोई भी बेसिक से बेसिक लेवल की कैलकुलेशन या बेसिक से बेसिक लेवल की जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे साथ शेयर करते रहो ताकि जो जो प्रॉब्लम्स हैं मैं साथ साथ रिजॉल्व करता रहूँ.
सो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस क्वेश्चन में भी कोई इशू है या जो भी क्वेश्चन जितना भी मैथमेटिक्स हम कर चुके हैं कहीं भी किसी तरह का इशू है तो एनी टाइम आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।